वन वेलकम टू माय चैनल और एक देखिए क्लास सेवन का एक चैप्टर है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और जनरली इसमें जो है प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ आता है जो मुझे पता है मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा और विश्वास करिए कि आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियर करूँगा इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है छोटा सा प्रूव दैट टू लाइन्स इन ए पैर विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम किबन लाइन इन द सेम प्लेन आर पैरल टू इच अदर क्वेश्चन आप समझिए प्रूव द टू लाइन्स इन ए प्लेन प्लेन आप देखिए चूंकि ये जैसे इस तरह से है इसमें प्लेन ये दो पार्ट में जैसे मान ली इस तरह से है इस तरह से तो यहाँ पर बोलता है कि प्रूव दैट टू लाइंस इन ए प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम गिवन लाइन तो मान लिया एक प्लेन ये हमारा है प्लेन इस पर एक गिवन लाइन है मान लिया इस तरह से एक लाइन हमारे पास है इस लाइन पे बोल रहा है कि यदि दो टू लाइंस दो लाइंस ऐसे हैं जो इस गिवन एक लाइन जो दिया हुआ है मान लिया ये जो लाइन है इस पर दो लाइन्स दिए हुए हैं जो आप दो क्या है परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन मतलब इस लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब मान लिया कि एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है इस पर इस तरह से और एक लाइन यहाँ पर कहीं भी परपेंडिकुलर है ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तब ये और ये आपस में पैरेलल होगा इसको आपको प्रूव करना है तो यहाँ पर तीन चीज़ है पहले तो हम लोग मानेंगे कि कौन गिवन लाइन है कौन दो लाइंस जो हैं इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है वो लिखेंगे उसके बाद अब इसको और इसको आपस में यदि पैरेलल दिखाना है तो पैरेलल दो यदि दो लाइन पैरेलल होता है कब होता है उसका कंडीशंस आप देखे होंगे तो यदि चूँकि देखिए कोई भी लाइन दो लाइन को काट रहा है इस तरह से तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आपका बन जाएगा ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा यदि इसको आप ऐसे उल्टा करके देखेंगे इस तरह से आप पढ़े होंगे पैरेलल लाइंस का जो आपको जो थ्योरम है उसमें तो यदि ये ये पैरेलल होता था तो क्या था उसमें आपको जो कंडीशंस हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा उसमें था कि इस तरह से जैसे ये 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 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है यानी यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम प्रूव कर देंगे इक्वल है तो ये और ये आपको पैरेलल कहाएगा दूसरा क्या था आपको यहाँ पर ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब ये एक छोड़ के ये दूसरा ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल है यहाँ पर ये दोनों यदि इक्वल है तो हम क्या बोलते थे ये और ये आपस में क्या होगा पैरेलल होगा तो यहाँ पर जो अलग अलग कंडीशन है उसमें से कोई एक कंडीशन को इसमें हम प्रूव करेंगे तो जाके हम क्या कहेंगे कि ये और ये दोनों कैर क्या होगा पैरेलल होगा तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर जो क्वेश्चन से आप देख रहे हैं तो क्या है चूँकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये नाइन्टी होगा ये नाइन्टी होगा ये नाइन्टी होगा ये नाइन्टी होगा सिमिलरली ये नाइन्टी होगा ये नाइन्टी होगा ये नाइन्टी होगा ये नाइन्टी होगा आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है सिर्फ एंगल मिल रहा है तो एंगल यदि मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप एंगल को इक्वल कर सकते हैं तो कौन कौन सा एंगल मान लिया यदि इस लाइन को इसको यदि आप उल्टा करके देखेंगे इस तरह से यदि देखेंगे मान लिया जाए इसको इस एंग इस लाइन को आप ऐसा करके देखेंगे और आप यदि ये प्रूफ कर देते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन ये लाइन आपका पैरेलल कहलाएगा या फिर आप ऐसा प्रूफ कर दें ये एंगल और ये एंगल मिल करके आपका 180 डिग्री होता है वहाँ फॉर्मूला आपका जो ये था थ्योरम उसमें क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल ये ट्रांसवर्सल हो गया सेम साइड राइट साइड मान लीजिए ये सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज़ इक्वल टू तो 180 डिग्री दैट मीन्स दिस प्लस दिस यदि 180 डिग्री होता है तो ये, ये आपस में पैरेलल होगा तो हमारा क्या है चूँकि ये नाइन्टी है ये नाइन्टी है तो ये प्लस ये वन एटी हो जाएगा तो हम उस थ्योरम को उस फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये ये मिल के क्या हो रहा है हमारा वन एट्टी हो रहा है इसलिए ये और ये आपको क्या हो जाएगा पैरेलल होगा तो इस कंडीशंस को हम देख के प्रूव कर सकते हैं कितना लिखेंगे तो आंसर मिलेगा तो देखिए इसमें क्या है हम लोग कितने तरह से प्रूफ कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीका हो सकता है देखिए हमने दो मेथड यहाँ पे दे दिया है जो आपको उचित लगे आप बना सकते हैं लिखेंगे कैसे इसको देखिए यहाँ पे है लेट एल बी द गिवन लाइन सच दैट लाइन एम एंड एन आर परपेंडिकुलर टू एल मान लिया कि एल कोई लाइन है गिवन लाइन है उसमें एन और एम दो अलग अलग लाइन्स हैं जो कि इस एल पर परपेंडिकुलर है तो हमको क्या दिखाना है देन वी हैव टू प्रूव ए लाइन एन इज पैरल टू एम दैट इज लाइन एन इक्वल टू पैर सॉरी एन पैरल एम ये हमको दिखाना है इसके लिए क्या करेंगे देखिए सिंस हम लिख रहे हैं एन एंड एम आर परपेंडिकुलर टू एल वो दिया हुआ हमारा एन और एम इस एल पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल 90 होगा ये होगा ये होगा ये 90 होगा दैट इज एंगल वन इक्वल टू टू इक्वल टू थ्री इक्वल टू फोर इक्वल टू नाइन्टी सभी नाइन्टी होगा इस पी यदि देखें तो एंगल फाइव इक्वल टू सिक्स इक्वल टू सेवन इक्वल टू एट इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होगा यहाँ पे अब देखिए प्रूव करने के लिए क्या होगा यदि हम इस लाइन को देखें ये तब ये लाइन ये लाइन ये इसके बीच में ऐसे पार हो रहा है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा इस ट्रांसवर्सल में हम ये यदि देखें ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा उसी तरह से ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा सिमिलरली ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा हम क्या दिखा सकते हैं वन इक्वल टू फाइव है, है चूँकि वन भी नाइन्टी डिग्री है फाइव भी नाइन्टी डिग्री है तो वन इज टू वन एंगल वन इज़ इक्वल टू एंगल फाइव वन इज इक्वल टू एंगल फाइव तब क्या होगा कि वन इक्वल टू एंगल फाइव कर रहे हैं लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बट दीज आर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके आधार पर क्या होगा ये और ये इक्वल है लेकिन हम देख रहे हैं क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसका मतलब ये और ये क्या होगा पैरेलल होगा देयर फोर क्या होगा एन इज़ पैरेलल टू एम्प्रूव्ड होगा इसके जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल टू इज़ इक्वल टू एंगल सिक्स लिख सकते हैं एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स फिर लिखते हैं यहाँ पे बट दीज आर कॉरस्पोंडिंग ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा सिमिलरली फोर इज इक्वल टू एइट फिर लिखेंगे बट दीज आर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा देंगे चूँकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो दोनों ये जो दोनों है आपका ये क्या होगा पैरेलल होगा अब यदि इसको आप नहीं जान रहे हैं तो दूसरा और एक प्रॉपर्टी आपके पास है यदि ये देखिए एक ट्रांसवर्सल है इसका दो साइड है इधर साइड है इधर साइड है यदि ये और ये इंटरनल दोनों सेम साइड का ये दोनों का सम आप देख रहे हैं ये नाइन्टी है ये भी नाइन्टी है यहाँ पर देख रहे हैं ना तो टू प्लस फाइव यदि निकाल रहे हैं तो टू प्लस फाइव कितना आएगा आपका नाइन्टी प्लस नाइन्टी यानी वन एट्टी इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एल ये जो एल है इसका एक साइड में मान लीजिए इसी साइड में दोनों का सम कितना हो गया वन एट्टी डिग्री हो गया तो यदि दोनों का सम वन डिग्री हो गया वो क्या होगा तब वो तभी संभव है जब ये और ये पैरेलल होगा उसी को हमने लिखा है सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन एल इसलिए क्या होगा एन पैरल सॉरी एन पैरल एम प्रूव होगा सिमिलरली आप इसको दिखा सकते हैं एंगल थ्री प्लस एंगल एट एंगल थ्री प्लस एट ये भी नाइन्टी प्लस नाइन्टी आएगा वन एट्टी सेम कंडीशन आ जाएगा सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन एल देर एन पैरल एम प्रूवड चाहे इसको बनाएंगे चाहे इसको बनाएंगे जो भी इसमें से आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है बस वो फार्मूला डाल देना है कोई रटने की जरूरत नहीं है इसमें आपको तभी जाके ये क्लियर होगा यदि दिक्कत है तो फिर से पूछेंगे और भी तरीका हम लोग इसको ले सकते हैं थैंक यू सो मच